Refrot! Apa? ए भाई, ए फिरोज भाई, यार लोगों ने बात बनाई हुई है या वाकई में आमिर खान दिख रहा है? किसकी तरह दिख रहा है? आमिर खान। आमिर खान बेटा, रोडवेज बस में और तेरे चेहरे में कोई खास फर्क नहीं है। अपना चेहरा देख ले और रोडवेज बस का मुंह देख ले, सेम है। अब मत्था खराब मत कर, चुपचाप बाल बनाता रहे। भाई आप मजाक कर रहे हो ना? हैं? मजाक कर रहे हो? अबे तू खुद एक मजाक है। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, मेरे बाल है ना एकदम सिल्की है। सिल्की सिल्की बेटे, तेरे बालों में और तांबे के तारों में कोई खास फर्क नहीं है। अगर इनके काट के बुरुज बना दिया जाए ना, तो रोड साफ करने का काम आएगा। भाई ये तो मेरी बेइज्जती हुई। बेटे इज्जत वाली बात कोई है नहीं तेरे अंदर। भाई सब चीज छोड़ो, मेरी आंखों के बारे में क्या विचार है? आंखें? अरे बेटे तेरी आंखें कहाँ हैं? अबे आंखें होती तो तू चश्मा पहनता। पता बेटे, मेंढक की आंखें भी तेरी आंखों से ज्यादा अच्छी लगती है। आंखें कैसी? अरे भाई सब बात छोड़ो, मैं आपके पास कुछ काम से आया था। हाँ बोल बेटा, किस काम से आयो? यही उम्मीद थी हमसे तो। भाई मुझे आज पार्टी में जाना था और मैं आपके पास आया था आपका कोट और आपके जूते लेने। मिल सकते भाई? अबे होश ले लो, रोडवेज के बच्चे, जूते दे दो, कोट दे दो। हैं बेटे चप्पल में चले जाओ, ये हाथी जैसे पैरों में चप्पल ही जचेंगे, जूते नहीं जचेंगे। अब पहली बार भी जूते लेके गया तो साले फैला दिए तूने, इतने इतने बड़े हो गए जूते मेरे। बात कर रहा मैंने देने का भैया, जाओ निकल लो ऐसे ही, निकल निकल निकल। भाई पिछली बार तो आपने मना किया नहीं था, दे दो भाई, प्लीज भाई दे दो। बेटे प्लीज प्लीज करियो, कहीं और जाकर निशाना जलने की तेरी, प्लीज प्लीज। अबे पिछली बार तू लेके गया कोट जूते, बेटे आज तक बदबू नहीं निकली है, 100 रुपए के परफ्यूम रगड़ दिए मैंने उसमें, मगर अभी तक बदबू नहीं निकली है। अब ऐसा तुम निकल लो वरना बेटे जूती आ दूंगा।